Hello, my dear students. I am talking about BBA 213 Business Mathematics Unit 5 Ratio and Proportion. सबसे पहले हम सीखेंगे कि what is ratio. Ratio होता क्या है? Ratio comparison है two quantities का, दो numbers का, जिसे हम division के form में represent करते हैं और हम इन्हें double dot के द्वारा represent करते हैं. There are so many type of ratios. Number one, inverse और reciprocal ratio. Inverse ratio, reciprocal ratio वह ratio है जिसमें हम numerator और denominator को interchange करके लिखते हैं. यानी कि जो मेरा numerator है मैं उसे denominator बनाऊंगी, जो denominator है उसे numerator बनाऊंगी. और जब भी आप reciprocal ratio को multiply करेंगे आपको हमेशा answer 1 मिलेगा. जैसा कि आप एक example के through देख सकते हैं कि मुझे given ratio है 4:5. यहाँ numerator है 4 और denominator है 5. जब मैंने इसका reciprocal किया तो मुझे 5:4 मिला. जब मैंने इनका product किया तो I get answer 1. Another one is ratio of equality. Ratio of equality वह ratio है जिसमें numerator और denominator same numbers होते हैं. Just for example, 5:5 आप देख सकते हैं कि numerator भी 5 है और denominator भी 5 है. 3:3 में आप देख सकते हैं कि numerator भी 3 है, denominator भी 3 है. The another one is compound ratio. कंपाउंड रेशियो वह रेशियो है जिसमें आपको बहुत सारे रेशियोज दिए जाते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं 2:3, 5:4, 9:2, 6:2 एंड 8:6. आप देखेंगे कि इतने सारे जब मुझे कंपाउंड रेशियोज दिए जाते हैं तो मैं उसे किस तरीके से सॉल्व करूंगी. तो जो जो न्यूमरेटर है 2, 5, 9, 6 एंड 8, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर की जो भी नंबर्स हैं 3, 4, 10, 2, 6, वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे. सिंप्लीफिकेशन होके आई गेट द आंसर 3:1. हम आपको रेशियो के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम आपको समझाते हैं. आप जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि ए अर्न्स रुपीज 500, मीन्स ए 500 रुपये कमाता है. बी अर्न्स 100 रुपीज, बी की अर्निंग है 100 रुपीज. तो मुझे सबसे पहले पूछा गया है a:b, यानी कि मुझे पहले ए के नंबर लिखने होंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मुझे बी की अर्निंग लिखनी होगी. तो ए की अर्निंग है 500, बी की अर्निंग है 100. जब मैंने इनका रेशियो बनाया तो 5:1 आई गॉट द आंसर. मुझे सेकंड पूछा गया b:1, यानी कि न्यूमरेटर में मेरे बी की अर्निंग आएगी. बी की अर्निंग है 100, ए की अर्निंग है 500. रेशियो किया, 0 से 0 कैंसिल हुए, मेरा आंसर आया 1:5. सिमिलरली आप अनदर एग्जाम्पल देख सकते हैं. फाइंड द रेशियो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर 40 सेंटीमीटर. जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमको यूनिट सेम बनानी होती है. आइदर आप पूरे क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट करें या आप पूरे क्वेश्चन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें. मैंने इस क्वेश्चन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है. जब भी आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 500 सेंटीमीटर आया. टोटल ऑलरेडी गिवन 60 सेंटीमीटर है तो टोटल 560 सेंटीमीटर्स हो गए. इसी तरीके से 2 मीटर 40 सेंटीमीटर है, मैंने उसको कन्वर्ट किया तो मुझे 240 सेंटीमीटर मिला. जब मैंने इनका रेशियो बनाया 560 अपॉन 240 कैंसिल आउट किए आई गॉट द आंसर 7:3.